हम नाथुवास गांव के अंदर जो कि हल्का बवाणीखेड़ा के अंदर आता है, तो यहां पर कुछ जो लोग मिले हैं उनसे राजनीतिक मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि कौन सी पार्टी आगे सत्ता में आ सकती है हरियाणा के अंदर। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? राकेश। राकेश, तो मतलब आगे कौन सी पार्टी के चांसेस है हरियाणा में? हमारे हरियाणा में आगे इसके दुष्यंत के चांस हैं। दुष्यंत चौटाला? हाँ जी। यानी कि जेजेपी? जेजेपी। अच्छा, क्या खासियत लगी मतलब ऐसा दुष्यंत में? दुष्यंत एक मिलजुल कर रहता है। हाँ जी। और पार्टी है ये मिलजुल कर नहीं रहती है। हमारे पास कई बार आ भी लिए हैं, हालचाल भी पूछता है, और पार्टियों को ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, इसलिए हम दुष्यंत को चाहते हैं। मतलब कि जेजेपी? जेजेपी आएगी आगे। हाँ, आगे हरियाणा में जेजेपी। हाँ जी भाई साहब, अपना क्या नाम है? भूपेंद्र। भूपेंद्र, अपना क्या कहना है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अपना भी होगा जेजेपी। जेजेपी, चलो जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ जी अंकल जी, अपना क्या नाम है? नरेश कुमार नाम है। अपना क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार आएगी, बहुत अच्छा काम कर रही है। आज कहीं भी जाके देखेंगे हम तो बीजेपी इतना काम कर रही है जिसका कोई हद नहीं। आने वाली सरकार यही होगी बीजेपी, हम उसका तन मन धन से उसका सह गुजरे अदा करते हैं। ये सरकार हमारे पूरे वर्ल्ड में छाएगी, हम इससे बहुत ही खुश हैं। मेरा पूरा गांव इसके साथ है, मैं इसका अभिनंदन करता हूं। ओके ओके, चलो जी धन्यवाद। तो मतलब आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और आगे बहुत ही तगड़े सपोर्टर हैं और आगे भी आएगी, ये आएगी, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि ये बीजेपी आएगी और जो नौजवान साथी हैं इनको सबको काम देगी। ओके जी, तो अपना अंकल जी नमस्कार जी। नमस्कार, अपना क्या कहना है, कौन सी पार्टी के चांसेस है हरियाणा? आप भी तो हरियाणा में बीजेपी के हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी के? अच्छा जी, ठीक है, हम ही उसको वोट देंगे। अच्छा अच्छा, हमारा बिरबानी हो भी देंगे। अच्छा, मतलब ऐसा क्या खास काम किया है बीजेपी ने? जो बीजेपी ने हमारा गांव इतना सुथरा काम कर दिया, हमारे गांव में रास्ता ही नहीं था लकड़ी ने। अच्छा जी, गांव में इतना अच्छा काम और इतना काम बढ़िया कर दिया हमारे, बहुत बढ़िया बंदे लगे। हाँ जी नमस्कार जी, अपना। हाँ जी नमस्कार जी भाई, मन नहीं बोलना था इसका भाई। नमस्कार जी, तो मतलब अपना क्या कहना आगे, मतलब कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी हरियाणा? अच्छा, कौन सी पार्टी? मोदी के देंगे भाई हम। नरेंद्र मोदी, मतलब कि बीजेपी? हाँ बीजेपी। ओके, मतलब ऐसा क्या काम किया आप, क्यों पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? मतलब उसका बढ़िया सारा काम कर रहे हैं भाई। क्या क्या आपके गांव में कुछ हुआ काम? ओ या तो समारिया घर तो कोपनी से ना, फिर मतलब या चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये आंटी जी यहाँ पर खड़ी है। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, अपना क्या कहना है? मत की मीना कंदी बेटा, मन तो कौन सी पार्टी ने वोट दिया करा था? हम तो मोदी देंगे भाई सारे। हाँ सारे। अच्छा अच्छा सारे, और का भाई के मां बड़की लिख दिया था। हाँ, हम तो देंगे कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी ने देंगे। मोदी ने बढ़िया काम कर दिया हमारे गांव में, इतनी टोला था मिला या नीचे जात है न छांग दे रहे आ करो के बारे तलाक की लगा हूं। बिल्कुल बिल्कुल जाट, ठीक है। ओके, अपना जी क्या कहना है? तो ये है, चलो कोई बात। तो एक बार इन अंकल जी की राय ले लेते हैं। हाँ जी राम राम जी, मतलब आगे हरियाणा में की बार कौन सी पार्टी के ज्यादा चांसेस है जो की सत्ता में आए? ये बीजेपी के। कौन सी? बीजेपी। बीजेपी, मतलब ऐसा क्या खास काम किया है बीजेपी ने जो आप? तो बढ़िया काम होने ला रहा है। क्या काम किया आपके गांव में, कुछ काम हुआ है? सब कुछ सुतरा सुतरा। ये बताया कि आंटी का उदिया गाल ना बनी बहनू, तो थोड़ा बहुत रह जा रखी है, गाल तो बन रही है। हाँ रही, वो नीचा नाचा हो जाएगा, कोई से कोई बात को नहीं। चलो कोई बात, ये तो कोई सारा के सबके वो थोड़ी हो। राम राम जी। हाँ जी नमस्कार जी भाई साहब, तो ये जो अभी हैं हमें मिले हैं, लगता है अमित शाह की रैली से आए हैं हिसार से, तो ये खास वर्कर लग रहे बीजेपी के। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब? कृष्ण शर्मा जी। अच्छा, मतलब अभी रैली वगैरह से आए अभी? हाँ जी, अमित शाह की हिसार में। अमित शाह जी। अच्छा जी, मतलब बीजेपी के सपोर्टर लगते हैं वो तो दिख ही रहा है। हाँ जी, तो मतलब क्या उपलब्धियां हैं बीजेपी की, कुछ गिनवाना चाहेंगे? बहुत बहुत काम किया उन्होंने, जैसे बेरोजगारी के मामले में बहुत नौकरियां दी हैं, और गांव में विकास भी हुआ है देखने को मिला आपको, सभी गलियां पक्की की हुई हैं, और जो महिला सशक्तिकरण की ओर भी जोर दिया हुआ है। अच्छा जी, और देखो भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, हम उसके फुल सपोर्ट में है। अच्छा जी, और तो ये है जैसे विकास, कई
मुद्दे हैं वो एकदम भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही नहीं, वैसे विकास बहुत जोर से हो रहा है। चलो जी धन्यवाद, ओके नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? मोहन जी। मोहन जी आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कौन सी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को जी। बीजेपी ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने जो मतलब कि सारी जनता जो बीजेपी को चाह रही है, काफी मतलब वर्कर मिले हैं ज्यादा सपोर्टर बीजेपी के यहाँ? ये किसानों को लगा लो 2-2 6 हजार रुपए देकर दिए, महीने के 2 हजार रुपए तो ये देंगे इनको, महीना के 6 हजार रुपए। हाँ जी, साल के 6 हजार, साल के 6 हजार रुपए। मजदूरा का भी गई है इनकी 3 हजार रुपए प्रश्न है। अच्छा जी, घोषणा करी आज भी। और ये पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार बेरोजगार बता भी देंगे जी उनको। और ये रोड बनवा दी, सड़क बनवा दी, गड़ी पक्की सारी दिया, सड़क बनी को नया भी बनवाई है। अच्छा अच्छा, इसी योजना बनवाई ये भी, मतलब बनवाई यहाँ बीजेपी वाले इसमें बनाई जी। चलो ज्यादातर विकास हुआ जी। अच्छा अच्छा जी, हम संतुष्ट हैं जी। ओके ओके नमस्कार जी। तो आप मतलब कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि आगे कौन सी पार्टी आए हरियाणा में सत्ता में? हम तो भाई किशन सपोर्ट कर देंगे। चलो जी धन्यवाद। तो ये भाई और आए हैं दो, इनकी राय और ले लेते हैं। नमस्कार जी भाई साहब, आइए थोड़ा आगे। तो मतलब कि अभी जो हरियाणा में कौन सी पार्टी के ज्यादा चांसेस आगे सत्ता में आने भाई? वो तो आने वाला टाइम बताओगा, फिर भी अपनी कुछ राय को किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हम लोग। राय क्या, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ओके, तो अपना भाई साहब क्या कहना है? बीजेपी आओगी भाई, बीजेपी आओगी पक्की पक्की 101%। चलो जी थैंक यू। ये नाथुवास गांव पूरा समर्थन कर रहा है भाई। ओके जी, तो यहाँ थे हम नाथुवास गांव जो कि हल्का बवाणीखेड़ा के अंदर आता है, और यहाँ पर लोगों की राय ली जो कि आपने देखा। तो अभी कुछ ऐसे वर्कर भी थे जो कि अमित शाह की रैली थी इजहार, वहाँ से लौटे थे, तो उनकी राय भी ली, और अग्नेश पार्टी के भी कुछ यहाँ पर थे, मतलब कि सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों आप भी अपनी राय दे सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पॉइंट आप देना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।